एक तहकीकात शुरू हुई थी एक औरत के गायब होने को लेकर, लेकिन ये केस बनता जा रहा था सेक्स, पॉलिटिक्स और क्राइम का मिश्रण। इस केस में सबसे बड़ा झटका तब आया जब इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चला कि जिस शख्स को वो लोग मुख्य आरोपी समझ रहे हैं, दरअसल ऐसा कोई शख्स है ही नहीं। आज हम आपको दिखा रहे हैं अंबिका देहा के इस रोलर कोस्टर थ्रिलर केस का तीसरा और आखिरी भाग, और आज क्राइम पेट्रोल के 12 साल और 750 एपिसोड भी पूरे हो रहे हैं। क्राइम पेट्रोल सतर्क। साहब ये जो मुकेश भाई है ना, मतलब ये सिर्फ एक नाम है बस। क्या मतलब मुकेश भाई सिर्फ एक नाम है? मतलब ये कि मुकेश भाई नाम का कोई आदमी ना है साहब। तो फिर अंबिका कहाँ है? और मुकेश भाई सिर्फ एक नाम है तो वो किसके साथ गई है? साहब मुकेश भाई एक झूठ है, ये बस अंबिका वाले मामले के लिए बनाया गया था। खम्बा गणी मुकेश भाई। हाँ जी गणी खम्बा, पधारो। हमारे पीछे पीछे नंदुरुला भेजे जा रहे हैं, वहीं मिलेंगे हमें। अब बैठो। हमारा दोस्त है, आप चिंता ना करो, बैठो। गुफरान अंबिका कहाँ है इस वक्त? आप हमारी सारे को छोड़ दो, मैं आपको सब सच बता दूंगा। गुफरान मैं तेरे साथ सौदा नहीं कर रहा हूँ, तेरी इतनी ताकत नहीं है इस वक्त। हमारी तलवार तेरे सर पर लटक रही है, तेरे पास और कोई चारा नहीं है, बस अंबिका का ठिकाना बता दे और सरेंडर हो जा अपने आदमियों के साथ। साहब मारी सारा बेकसूर है, उसका कुछ लेना देना नहीं है इन सबसे, खुदा के लिए उसे छोड़ दो साहब। अंबिका के छोटे बच्चे भी बेकसूर हैं गुफरान, अंबिका को छोड़ दे। साहब अब अंबिका किसी के पास ना है। क्या मतलब यो कि अंबिका भी इस दुनिया में ना है, खत्म हो गई वो। गुफरान मेरे साथ गेम मत खेल, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। गेम तो हमने खेली अंबिका के साथ, जो अब मरने महंगा पड़ रहा है उसे। कैसे मरी अंबिका, किसने मारा उसे? ये सब साजिश की मंजिल थी, और वो मंजिल थी अंबिका की खामोशी। मतलब उसे पहले से खत्म करने का प्लान बन गया था। झूठ बोल रहा है तू, क्या सबूत है तेरे पास? साहब सबूत थारी मुट्ठी में, थारे हाथ में। नेमचंद दुल्लर वो सब जानता है, वो जानता था कि सारा जाल अंबिका की मौत के लिए बिछाया जा रहा है। ठीक है, मैं सारे सर्च ऑपरेशंस बंद करने का ऑर्डर देता हूँ। तुझे पता था अंबिका देहा का मर्डर हो चुका है? नहीं 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 साहब, पता को नहीं था, मारे को डर जरूर था साहब, ऐसा होगा कभी साहब। वो अंबिका आग से खेल रही थी साहब, जलना तो था ही। विजय सारे सर्च ऑपरेशंस बंद कर दो, अंबिका देहा का मर्डर हो चुका है, अब हमें जल्द से जल्द उसकी बॉडी ढूंढनी होगी। सर गुफरान मलिक उर्फ मुकेश भाई सरेंडर कर रहा है। गुड, अब एक बार इस नेमचंद को फ्राई करते हैं, उसके बाद बड़ी मछलियों के लिए जाल बिछाते हैं। जसवंत कट्टा और चित्रंजन सुजानी। राज लक्ष्मी, तू ये खेल बहुत आगे तक ले गई, हद पार कर दी तूने। सच भाई साहब, हद मैं पार कर गई? छोड़ देना चाहिए था तुझे। मन ने छोड़ देना चाहिए था? वाह, इतना कस के पकड़े रखा था आपने कि सारी दुनिया के सामने अच्छो खासो कांड पाल रहे थे। स्कैंडल भाई साहब स्कैंडल। सुजानी जी, आपको और जसपन जी को मारे से जो चाहिए वो मिलता है, सालों से मिलता आया है। अब मारी बारी, मैंने कार्पोरेटर का टिकट चाहिए। अगले हफ्ते पार्टी की चिंतन सभा में हमारे नाम का प्रस्ताव रखेंगे हाईकमांड के सामने। दिमाग खराब हो गया थारा? ना थारा टेम खराब हो गया है। चिंतन सभा के पहले दिन मारे नाम का अनाउंसमेंट ना हुआ ना, तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी। ये जो मारे पिता समान नेता है ना चित्रंजन सुजानी जी, वो दरअसल मारी बेटी जुगनी के पिता है।
तो तू मने धमकी दे रही है? धमकी तो आप जैसे बड़े लोग देते हो। मैं तो बस अपना हक मांगू, आपकी बेटी चुगनी का हक। देख अंबिका, टिकट विकट इतनी जल्दी ना मिलती। अरे 9 महीने में तो कोक से बच्चा निकल जावे है सुजानी जी, और मारे को तो 9 साल हो गए आपके और जसपन जी की सेवा में। सिर्फ सेवा ही ना की है तूने, अच्छो खासो मेवो मिलो है। हाँ, और अब मरने खुद का मेवा बनाना है, हलवाई की दुकान डालनी है मरने। या तो मारे को टिकट दिलवाओ या फिर अपनी पोड़ खुलवाओ। इतनी कट्टर ना बन, तेरे मेरे बीच में जो है उसकी कुछ तो कदर कर। सुजानी जी, थारे और मारे बीच में जो था वो तो आप जसपन जी के साथ बांट गए, आगे भी बांटोगे। अरे आप जैसे लोगों को तो रोज एक नई जवान अंबिका मिल ही जाएगी, पर मारे लिए तो आप मारी मंजिल तक पहुंचने की बस एक सीढ़ी हो। इसलिए मेरा कारपोरेटर का टिकट कटवा दो, वरना गाड़ी आपकी छूट जाएगी। एक तरफ अंबिका अपनी जात दिखा रही थी तो दूसरी तरफ जसवंत अपनी औकात से ज्यादा फैल रहा था। मम्मी सिर्फ आपकी चिंता थी, मैंने जो भी किया सिर्फ आपके खातिर किया भाई साहब। आज लक्ष्मी, इस पखड़ी की जड़ वो स्टिंग ऑपरेशन है, तुझे नहीं करवाना चाहिए था। वो ये स्टिंग ऑपरेशन हम सबको देश के सामने एक्सपोज कर देगा, कहीं के नहीं रहेंगे हम। महत्वाकांक्षी अंबिका ने कॉर्पोरेटर का टिकट पाने के लिए चितरंजन सुजानी को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया, और इस प्लान को नाकाम करने के लिए सुजानी की बहन राजलक्ष्मी ने एक काउंटर प्लान बनाया, प्लान स्टिंग ऑपरेशन का। ये स्टिंग, ये डंक इतना जहरीला था कि इसमें शामिल सब लोगों को इसने विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने अठे क्यों लाई हो राजलक्ष्मी जी? तन्ने टिकट चाहिए ना, दे दिया। जे बात बोलने के लिए आप मारे को अठे लाई हो, कोई एहसान ना कर रहे हो आप मारे पे। मैंने टिकट ना मिलता तो मैं टिकट थारे से छीन लेती। टिकट मिलने या छीनने से कोई कॉर्पोरेटर नहीं बनता, इलेक्शन लड़ता, और इलेक्शन जीतने के लिए पूरी पार्टी का पूरा समर्थन होना जरूरी होता है। पैसा, दिमाग सब लग जाता है, वो सब तन्ने मिलेगा, लेकिन उससे भी जरूरी होती है पार्टी की वफादारी, उसमें एक अड़चन है। अच्छा, क्या अड़चन है? जसवंत कट्टा मारे चितरंजन भाई साहब पर हावी हो रहा है, टिकट उसे भी चाहिए। अगर तन्ने कारपोरेटर बनना है तो जसवंत को खत्म करना होगा। राजलक्ष्मी जी, मैं कोई कातिल ना हूं जो किसी को मार डालू। तन्ने अपनी अदाओं से तो पहले ही उसे मार डाला है छुरी, बस एक कदम आगे बढ़ना है, वीडियो बनाना है। जब तुम दोनों हम बिस्तर हो गए, बबाल खड़ा हो जाएगा, उससे पीछे हटना पड़ेगा, और उसकी जगह मिलेगी तन्ने, जे वादा है मारा तेरे साथ। सोच ले, ऐसा सौदा रोज रोज करने को ना मिले। तू जसवंत को रास्ते से हटा, हम तुझे गद्दी पे बिठाएंगे। एक हाथ ले, एक हाथ दे। के सोच रही है छोरी, जे थारी जिंदगी की असली सीढ़ी है, चढ़ जा। साहब अंबिका हमारी फ्रेंड थी साहब, इसलिए मैंने उसको वार्निंग भी दी थी, मत करिए कांड, फंसेगी मरेगी। पर साहब उसने मारी सुनी कोनी साहब, उसने ठान ली थी वो जसवंत गट्टा और अपना खुद का एक सेक्स टेप बनाएगी। अरे तू बावड़ी होगी क्या, टोटल पागल होगी है? हाँ, मैं टोटल पागल हो गई, क्योंकि मैं टोटल बेसरम, टोटल कमीने, टोटल बेरहम लोगों के बीच में हूँ। मैंने इनसे लड़ना है तो मैंने थारी टोटल दोस्ती चाहिए। मंजूर है तो बोल, वरना मैं अपना देख लूंगी। चल ठीक है, मैं थारी मदद करूंगा। और मणि, मारे को ये बता, करेगी क्या ये स्टिंग ऑपरेशन के बाद, क्या करेगी? देख सागर, ये जो सीढ़ी होगी ना, ये होगी मारे हाथ की लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जसवंत गट्टा और अंबिका हमेशा इसी जगह मिलते थे। Thank you.
ये कैमरे के पीछे लाल कलर की रिकॉर्डिंग बटन है, जसवंत गट्टा के अंदर आने के पहले इस रिकॉर्डिंग बटन को दबा के रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, यहीं से बंद हो जाएगा। ये मैंने इधर रख दिया। चल अंबिका, मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सागर, तुम्हारा अच्छा दोस्त है। काश मैं थारा सच्चा दोस्त भी होता तो थारे को ये सब करने से रोकता। अंबिका अभी भी टाइम है, पीछे हट जाए, कोई और रास्ता सोच ले। पीछे हटने का वक्त तब था जब मैं सुजानी के कमरे में पहली बार गई थी। पीछे हटना तब चाहिए था जब उससे पहला तोहफा कबूल किया था। पीछे तो मरने तब भी हटना चाहिए था जब इस ऊंचाई की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। ना पीछे हटने का रास्ता है और ना उतरने की सीढ़ी। अंबिका आगे थोड़ी जान को जोखिम है। माना जान है तो जहान है, पर जोखिम तकदीर की खान है। अब हीरा मिले या राख, उतरना तो है ही। तू जाने, थारा काम जाने, मैंने अपना काम कर दिया। ऑल द बेस्ट। साहब मैंने बस रिकॉर्डिंग करने में उसकी मदद की थी, उसे बताया था कैसे करना है, बाकी रिकॉर्डिंग उसने खुद ने की साहब, और पूरी प्लानिंग भी उसकी थी। जैसा उसने प्लान किया था वैसे ही होता गया साहब। आइए आइए जसपंत गट्टा जी, आइए। अरे जल्दी के है, बैठे तो सही। खड़े खड़े मार डालेगी के, कब से बैठे हैं, चला जा। सबर का सेब मीठो होता है जसपंत गट्टा जी। अंबिका ने सीडीज की कॉपी छुपा के रखी थी। मने नहीं पता साहब, मैं तो मिली ही को नहीं उसके बाद उसको। ये 2 महीने पहले जो टीवी चैनल्स पे सीडी की फुटेज लीक हुई थी वो किसने की थी? मने नहीं पता साहब, लेकिन साहब अंबिका ने खुद नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी? क्योंकि साहब इससे उसकी बदनामी होती ना, और साहब पूरे चक्कर को 2 साल हो गए थे, अंबिका को वो तो मिला नहीं था वो जो चाहती थी। अब साहब सीडी लीक करके वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारती? ये स्टिंग ऑपरेशन ब्लैकमेल के लिए बना था, ना कि मीडिया में लीक होने के लिए। पर लीक तो हुआ, कौन था इस लीक के पीछे और इरादा क्या था? सीडी 2 साल पुरानी थी, लेकिन इन 2 सालों में अंबिका को कॉर्पोरेटर का टिकट तो दूर, पार्टी में कोई पोजीशन तक नहीं मिली थी। लेकिन इसके बावजूद अंबिका ने सुजानी को एक्सपोज नहीं किया था। इन 2 सालों में ऐसा क्यों हुआ था, माजरा क्या था? साहब, ओ साहब, साहब मारी बात तो सुनो। के? क्यों चिल्ला रहे हो? साहब, क्या क्या ये ऐसी खबर है कि हमारी लुगाई को मार डाला उन लोगों ने? पैरों ने की नौटंकी करो है, हैं? तू तो सालों अपनी औरत से धंधो करवावो है। बकवास ना करो साहब। बकवास तो नेमचंद और तू करते आए हो अब तक, लेकिन अब ये ना होगा।
नेमचंद की चमड़ी की जूती बनने को है, फिर थारी बारी आएगी। किसने मारा हमारी अंबिका को? ये सवाल तो तू अपने आप से पूछ, जवाब तुझे खुद ही मिल जाएगा। ए साहब, मुझे बताओ किसने मारा अंबिका को, किसने? चार दिन हो गए बापू अब तक घर ना आवे। माई कह के गई थी कि शाम को आएगी, पर कितने दिन हो गए, कहाँ है माई? बापू अंदर है, क्या हम उनसे मिल सकते सर? बेटा मामला थोड़ा नाजुक है, तुम्हारे बापू बिल्कुल ठीक है। और माई? सर माई कहाँ है सर, प्लीज बताइए ना सच क्या है सर, सर प्लीज बताइए ना। सच क्या है अभी तक हमको भी नहीं पता, पर जैसे ही सच का पता लगेगा मैं तुम दोनों को जरूर बताऊंगा। मारे को सच नहीं जानना है, माने माई चाहिए। हेमचंद, अंबिका को क्यों मारा गया? ताश कहाँ है उसकी? बड़ा खामोश बनता है। अब्दुल। जी सर। जरा इलेक्ट्रोड लाना। जी सर। करंट ने जबान नहीं खोली ना तो देगी मिर्च का तड़का लगाएंगे नेमचंद पर। नहीं साहब, मैं बताता हूँ साहब। तो पहले भी बहुत कुछ बता चुका है जो झूठ था, काफी टाइम और मेहनत खराब हुई है तेरे कारण हम लोगों की। एक मौका दो, सच बताऊंगा। सच और सिर्फ सच, जरा सी भी चालाकी की, बात छुपाई या घुमाई तो बिजली का स्विच घूमेगा, करंट हम कहीं भी लगाएंगे, कहीं भी। मैं तो एक छोटो सा आदमी हूँ, मारे को राजलक्ष्मी जी ने बुलाया था समझौता कराने। कई दिनों से अलग अलग सौदे और समझौते की बातें सुन रहा हूँ, ये कौन सा समझौता था? अंबिका के साथ समझौता कराना था सर। किस बारे में? अंबिका अपनी बात से मुकर रही थी, उल्टा डबल गेम खेल रही थी साहब। अंबिका तने वादा किया था कि तू वो सीढ़ी मारे हवाले कर देगी। एक वादा तो आपने भी मारे से किया था ताईसा, मैंने टिकट दिलवाने वाली थी आप। अरे मैं तुझे टिकट तब तक नहीं दिलवा सकती जब तक मैं जसवंत को रास्ते से ना हटा दूं। जसवंत के साथ साथ अब मारे को भी हटाने वाली थी ताईसा। बच्ची जैसी बातें ना कर ताईसा, मैं ना बच्ची हूँ और ना मैं कच्ची हूँ, गेम खेलना मैं अभी सीख गई हूँ। तन्ने सीढ़ी चाहिए ना, ठीक है जो मीडिया में अनाउंसमेंट करवा दो कि टिकट मारे को मिलने वालों है, फिर मन ने टिकट दिलवाओ, सारा प्रबंध करवाओ, फिर सीढ़ी थारी, जो मन मर्जी है कीजो। अंबिका झुकने को तैयारी नहीं हो रही थी और राजलक्ष्मी जी का प्लान सीधा प्लान था, जसवंत को पार्टी से और अंबिका को सुजानी की जिंदगी से बाहर निकालना था, और जिसके लिए वो सीढ़ी बहुत जरूरी थी। फिर राजलक्ष्मी जी ने मारे को बुलाया, उनका एक पार्टी कार्यकर्ता हमारा दोस्त था। छोटो मुंह बड़ी बात भाई साहब, लेकिन कहनो बड़ा है, आप लोगों ने अंबिका के हाथों में हुक्म को इक्को थमा दिया। सुन लिया राजलक्ष्मी, इसके जैसा मामले चूहा भी हमारी गलती पकड़ रहा है। मैंने सोचा भी ना था कि एक दो टके की नचनिया इतना तेज सोचेगी। चलो जो हो गया सो हो गया, मैं उससे बात करके समझाता हूँ उसको। उस सीडी का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी मिल जाए ना तो जसवंत को नीचे खींच सकते हैं। जाओ जल्दी कुछ करो नेमचंद। इससे पहले कि मैं अंबिका के सामने समझौते की बात रखता, उससे पहले ही अंबिका ने एक बड़ी ही चालाकी वाली चाल चल दी। क्या थी ये चालाकी वाली चाल? ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ कांतिलाल जी, आपको हमारे बकवास पे विश्वास ना हो तो आपको फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर भेजू के, उसमें जसवंत जी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, नग्ना अवस्था में। उनके साथ जो छोड़ी है ना वो उनकी लुगाई तोड़ा है, बातें हो रही है उनके बीच बड़ी रंगीन। ये वीडियो में औरत तू है, ये वीडियो तूने बनाया है। मारा चेहरा तो छुपा हुआ है जी, पर बनाया तो मैं नहीं है। अंबिका, जसवंत जी ने कितना भरोसा किया तुझ पर, और उस भरोसे को तोड़ देगी तू? कांतिलाल जी, राजनीति में भरोसे और विश्वास की बात करना चुटकुला सुनाने जैसा है जी। कितने पैसे चाहिए? पैसे तो मैं छाप लूंगी, मने जितने चाहिए उतने, बस मने पैसे छापने की मशीन चाहिए। मने बनना है नगर सेवक, जो जसवंत जी मारी मांग पूरी कर दे तो ठीक, सीडी लीक हो जाने के बाद पार्टी में तो उन्हें कुत्ता भी ना पूछेगा, उनकी लुगाई छोड़ जाएगी। साली बहू बेटी का रिश्ता बाद में जोड़िएगा कांतिलाल जी, जल्दी बोलिए टिकट की घोषणा कब कर रहे जसवंत जी? अंबिका मुझे पता है ये गेम ना थारे दिमाग की तो उपज ना है, अब पता किसके हाथों कठपुतली बनी है तू? आपसे छुपाने का तो कोई मतलब ही ना बनता है क्योंकि आपको तो पता लगना ही है। सीडी जो है मैंने राजलक्ष्मी जी और चित्तरंजन सुजाणी जी के कहने पे बनाई है,
क्योंकि उनको जसपन घट्टा जी का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए काटना था। सुजानी भाई साहब, आपने उस 2% की अंबिका का इस्तेमाल किया मारे को ब्लैकमेल करने के लिए, ये नाइंसाफी है। जसवंत, हमारे धंधे में इंसाफ होता ना तो तू और मैं पॉलिटिक्स में ना होते। और ये बात तू और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि तूने पार्टी में मारा कद छोटा किया है। तू माने दुश्मन समझता है तो मारे पास दुश्मनी के अलावा कोई चारा नहीं है। भाई साहब, आप खेल के नियम बदल रहे हैं, पार्टी ऑफिस और चुनाव का मन छोड़कर बेडरूम में घुस रहे हैं। आप वरिष्ठ नेता है, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अरे वरिष्ठता और शोभा का क्या चूरमा भाटी बढ़ाऊ मैं? साढ़े ये आइडिया तेरे पास पहले आ जाता ना तो मारे से पहले सीढ़ी तू बनाता। ऐसा ये घिनौनी चाल आपको महंगी पड़ेगी। महंगा तो दोनों को पड़ा साहब। अंबिका उन दोनों की पीठ पर ऐसे सवार हो गई जैसे विक्रम की पीठ पर बेताल। दोनों के बीच पल्ला तो सुजानी का भारी था। हाँ साहब, अंबिका जसवंत को ब्लैकमेल किए जा रही थी, इससे सुजानी भाई बहन काफी मजे लूट रहे थे। 2 सालों से यही तो चाहते थे वो। क्या तुम बाहर टिक 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 पंखे के नीचे सड़ रही थी? आज सुजानी भाई साहब की कृपा से खुद का एसी कैबिन ना धरा। और बहुत जल्द मारी कृपा से मारी जूती चाटेंगे थारे सुजानी भाई साहब। इतना अहंकार ठीक ना है अंबिका, या पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स, यहाँ पूनम और अमावस चलते रहते हैं, ताकत किसी एक के हाथ में कभी ना रुकती। नेमचंद धुल्लड़, कल तक थारे एक हाथ में हल था और दूसरे हाथ में लुगाई का पल्लू, ये फुक्कड़ का भाषण मने के वास्ते दे रहा है? सीधा मुद्दे पे आएगो? सीडी दे दे, रखने से भी ज्यादा फायदा होगा थारे को। अरे बड़े अपने पास रख के देख तोड़ू फायदो हो तो है कि नहीं। अब तक तो मने बड़ा मजा आ रहा है। जसवंत जी, ये ट्राई नहीं किया ये पूछे, पठस से मस ना हो गई अंबिका। कहती है कि अगर सीढ़ी चाहिए तो पहले पूरे नगद 50 लाख और पार्टी के महिला विभाग अध्यक्ष का पद लेगी वो। बेवकूफ साली, माने पप्पू समझिए, उसे लगता है कि पार्टी मारे बाप की जागीर है। वो जानती है आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। कहती है कि पार्टी में पोस्ट बाद में दो तो भी चलेगा, कॉरपोरेशन में ऊंचा पद मांग रही है वो, ताकि मेरा टेटवा हमेशा उसके पैरों तले रहे। आज कांधे पर बैठी है, कल सर पर बैठ जाएगी तो पता नहीं क्या करेगी। सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी तो ना है। गलत, ये बात ना मानू मैं, चारा है, चारा हमेशा होता है। उस अंबिका से सीढ़ी निकालने का भी चारा होगा, जिसमें ना पब्लिक शामिल होगी, ना मीडिया और ना ही पार्टी। लठ गाड़ के खड़ी है अपनी मांग पर। पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देखी थी जब वो काम अंबिका को सौंपा था। एक बार, सिर्फ एक बार अगर मुझसे पूछ लिया होता। वैसे राजलक्ष्मी जी, देखा जाए तो आपको सांप भी मर रहे है और लाठी भी सलामत है। वो सीढ़ी आपको दे नहीं रही लेकिन जसवंत के सीने पर बैठ के खून पी रही है उसका, और आप लोग यही तो चाहते थे। बात तो सही कह रहा नेमचंद भाई, अंबिका ने अगर सीढ़ी लीक कर भी दी तो नंगा तो जसवंत होगा, मारे को कुछ नहीं होगा। तो अच्छा होगा कि हम इस मामले में कुछ ना बोले। तो ठीक है, दूर रखते हैं अंबिका को, और भाई साहब आप भी। हाँ हुकम, आप तो अभी भी उसके साथ संबंध बनाए बैठे हो, थोड़ा लगाम दो। चुप कर नेमचंद, औकात में रहे। माफ कर दो हुकुम, मैं तो आपकी भलाई के लिए ही सोच रहा था। संबंध बना के रखना पड़ता मुझे। जुगनी बेटी है मेरी। वही तो भाई साहब, उसके एक हाथ में जसवंत गट्टा की सीडी है तो दूसरे हाथ में चितरंजन सुजानी की नन्नी परी। साली दोनों की दुखती रगे उसके तलवों के नीचे, जब चाहे कुचल सकती है। सुजानी और गट्टा ने मिलकर सालों तक अंबिका के शरीर के मजे लिए और अब वो उस मजे की कीमत वसूल रही थी।
शोषण पर आधारित इन दोनों रिश्तों को अंबिका करारा जवाब दे रही थी। अंबिका की सुजानी से हुई 9 साल की बेटी जुगनी उसका ट्रम्प कार्ड था सुजानी को मुट्ठी में रखने के लिए, और राजलक्ष्मी के दिए गए सुझाव ने अंबिका के हाथ में वो सीडी लाकर रख दी, जिससे जसवंत भी उसकी मुट्ठी में आ गया। लेकिन दोनों के मुट्ठी में होने के बावजूद अंबिका फ्रस्ट्रेट हो रही थी, उसका करियर कहीं नहीं जा रहा था। और तब अंबिका ने अपना तीसरा मोर्चा खोला, और ये वाकई में एक शॉकर था। बोलो अंबिका। कांतिलाल जी, जसपन घट्टा जी मारा फोन ना उठा रहे। सुना देंगे जवाब, नहीं उठाएंगे जब तक तुम एक कॉन्ट्रैक्ट एक एफिडेविट साइन नहीं करती कि ये सीडी जाली है, मनगढ़ंत है। उसके बाद थारे पैसे तने मिल जाएंगे। पहले मन्ने मारे पीछे दे दो, उसके बाद जो बोलोगे साइन कर दूंगी अपना एफिडेविट। हमने तो तने सामने से फोन किया ना है, और तेरी मांगी हुई रकम भी मंजूर है हमें, लेकिन सिर्फ एफिडेविट साइन करने के बाद। अंबिका, जब तक सीडी मारे हाथ में ना होगी, मारी तरफ से कोई सौदा नहीं हो सकता। तोड़ मोड़ करने की हैसियत ना है आपकी, अब घटिया बाजारू लोग भी हैसियत दिखाएंगे। अरे मारा मुंह ना खुलवाओ, बाजारू जुबान ना झेल ना पाओगी आप। तने पहले भी कहा है माने धमकी ना देना, पॉलिटिक्स में धमकियां छींक की तरह हो गए हैं, और इस बार मारे छींक के साथ थारे को छींक जरूर आएगी। अब के लाई है? कुछ ना, नया सीडी है, नया हीरो, और इस बार का हीरो है थारे दूध से धुले हुए संस्कारी भाई सा। वो के कहा था थारे ने बाजारू औरत के साथ? उफ, 10 सेकंड देख लो ना, इनाम दो आपको। इस बार सीडी के साथ कोई तोड़ मोड़ ना होगा। 1 हफ्ते के अंदर मारे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना अक्टूबर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में टेलर नहीं पूरी फिल्म दिखेगी, फिल्म। चित्रंजन सुजानी के चरित्र के चिथड़े उड़ेंगे राजलक्ष्मी ताई साहब। एक साल से अंबिका ने जसवंत और चित्रंजन जी की नींद हराम कर रखी थी। उन्होंने 9 साल से अंबिका के साथ कुछ अलग नहीं किया था। मानता हूं अंबिका मतलब हताश सी हो गई थी, वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि कैसे फायदा उठाए उन लोगों का। वो एक लावारिस बम की तरह हो गई थी, जिसका किसी को पता नहीं क्यों कब और कहां फटेगा और किस किस को खत्म करेगा। अगर पैसे दे दिए हमने तो सर पे बैठ के मुजरा करेगी कमी नहीं। बिल्कुल, आप दोनों के गले उसकी तलवार की नोक पर है। अब अगर आप दोनों गले मिलते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो अंबिका इतिहास बन जाएगी। कांतिलाल जी, उसी के लिए तुम यहाँ आए हैं। आज अगर हमने उसको 1 करोड़ दिया ना, तो कल वो 10 करोड़ मांगेगी। आज कॉरपोरेटर बना दिया तो कल MLA का टिकट मांगेगी। आज MLA बना दिया तो कल MP का टिकट मांगेगी, और अगर MP बना दिया तो सीधे PM की कुर्सी मांगेगी। उसकी लालच का ना कोई अंत ना है। और अंबिका ने CD की न जाने कितनी कॉपी बनाई होगी, और इंटरनेट पर भी सेव किया होगा। मारा सजाओ तो ये है कि कुछ आग ऐसी होती है जिन्हें रोका नहीं जा सकता, उन्हें बुझाना ही पड़ता है। और अब अंबिका हम सबके लिए सिर्फ आग ही नहीं, ज्वालामुखी बन गई है। कांतिलाल जी, नेमचंद, काम शुरू कर दीजिए। एक भी चिंगारी बचनी नहीं चाहिए, वहीं से तो सब कुछ शुरू होता है। खम्मा घड़ी अंबिका जी। घड़ी खम्मा मुकेश भाई, पधारो पधारो। तो कहाँ है आपकी गाड़ी अंबिका जी? हाँ, 1 मिनट, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ गाड़ी लाने। अंबिका मारे पर और कांतिलाल पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, इसलिए
गुफरान को मुकेश भाई बनाकर उसके पास भेजा गया, उसका भरोसा जीतने। क्या बात है अंबिका जी, ये कौन है जो आपकी जान का दुश्मन बन गया है? देखो जी, ये हमारे से ताल्लुक तो नहीं रखता, पर ये बात मैंने जमी नहीं। आप जैसे नेक औरत पर कोई इतनी बुजदिली से हमला क्यों कराएगा? मारो प्लान काम कर गयो साहब, गुफरान ने उसको भरोसा जीत लियो, और बस अंबिका उसके सामने अपना दिल हल्का करने लगी, हर बात में उसकी सलाह लेने लगी, बहुत अच्छे दोस्त बन गए दोनों। मतलब वैसा हुआ जैसा फिल्मों में होता है, तुम लोगों ने अंबिका के लिए जाल बिछाया, उस दिन कोई कार का सौदा नहीं होने वाला था, है ना? हाँ साहब। मंडे बताया गया था कि उस पर नजर रखेंगे, उसको काबू में रखेंगे, जब तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन न हो जाता तब तक, जो इस हफ्ते में। वो बोले कि बाद में हमारी लुगाई को रिहा कर देंगे। और तू मान गया? सच कह रहा हूँ, हमारे बच्चों की कसम, मन्ने नहीं मालूम था कि हमारी लुगाई को बोलो। बजरंग, तेरे आंसुओं पर मगरमच्छ भी तरस नहीं खाएंगे, इन्हें बचा कर रख, सजा लंबी होगी, जेल अच्छे अच्छों को रुला देता है। हमारे दो बच्चे हैं, उन पर रहम करो, मन्ने छोड़ दो। तो ऐसा गिरगिट है कि तू चाहे जो कर ले कोई तुझ पे तरस नहीं खाने। अरे साहेब, अंबिका देहा के कत्ल का प्लान बेहद कुटिल और भयंकर था। ये एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस खेल में कोई भी नहीं जीता, सबके सब सर के बल गिरे। बुलाया कटे मुकेश पर? अंबिका जी बताया तो धंदरोला में बुलाया। आप निश्चिंत रहिए, हल्की से भी चालाकी के सालों ने तो हम सीधे लौट जाएंगे। शुक्रिया मुकेश भाई, आप ना होते तो मैं ये ना कर पाती। मारा काम था सिर्फ उसका पीछा करना, और गुफरान का काम था अंबिका को खत्म करना। ना साहब,
गुफरान का काम था अंबिका को नंदरौला तक पहुंचाना और उसे दूसरी पार्टी के हवाले करना। दूसरी पार्टी मतलब? फौजदार। फौजदार गैंग? हाँ साहब, अंबिका को मारने की सुपारी फौजदार और उसके आदमियों को दी गई थी। मुकेश भाई, ये हो कह रहा है, कटे ये सब अब तक आए क्यों नहीं? अंबिका जी आप चिंता ना करो, मैं नेमचंद से बात करता हूँ और अगर जरा सा भी गड़बड़ लगी तो हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक से? मैं ही फोन करने वाला था तेरे को। नेमचंद ये फौजदार कहाँ मर गया यार? अरे भैया मैं भी कब से फोन मिला रहा हूँ उसको, फौजदार साहब फोन ही नहीं उठा रहे। नब करना कहे बोल, अंबिका बहुत बेचैन हो रही है, बहुत चलाक हो रहा है, शक हो जाएगा उसे, जो भी करना जल्दी कर। रुक जा, मना दो मिनट दे, मैं फिर से फोन करता हूँ तेरे को। कुछ गड़बड़ है क्या मुकेश भाई? ना ना सब ठीक से एकदम। ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना 8 लाख के पैसे देने का क्या मतलब बनता है? मैंने पूछा नेमचंद से, मैंने कहा तो उसने बोला कि सकोल में कुछ मीडिया वाला जमा है, वो पार्टी का कुछ दिनों में कुछ बड़ा जान होने वाला है ना, तो हाँ वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी। हाँ वही वही कार्यकारिणी राष्ट्र जो भी है वही, तो जसवंत और सुजानी नहीं चाहते थे ये काम वहाँ से हो, इसलिए। यार नेमचंद यहाँ अधिवेशन को लेकर मारे इतने सारे काम है, एक काम तने दिया वो भी तुझसे ना हो रहा है। वो फौजदार और उसके आदमी यहाँ पहुंचे नहीं, काम को अंजाम कौन देगा? ये भी क्या मन ने समझाना पड़ेगा, गुफरन को बोल दो भाई कर लेगा, अब किसी ना किसी को तो करना है ना, तुम कर लो। ना भाई नेमचंद, मैं मर्डर की सुपारी नहीं उठाता, ना अपना काम है सिर्फ लोगों को धमका के पैसे उठाना, इंसानों को नहीं उठाता मैं। अरे भैया कर ले के फर्क पड़ा यार। अच्छा तो खुद ही कर लो ना फिर, मैंने क्यों बोली ऐसे? अच्छा बहुत हो गया, करना क्या है बोलो, वैसे भी अंबिका को पता चली गया होगा दाल में कुछ कालू है। बेवकूफ नेमचंद, यहाँ पूरी दिल्ली पधारी है हाँ? और थारा से एक मामूली सा काम नहीं हो रहा है हाँ? भाई गुफरान सन बनता है तो बनने दे, तू काम तमाम कर दे बस। वाह कांतिलाल जी, आप मारे हाथ खून से रंग रहे हो और उसे मामूली काम बोल रहे हो? औरत मामूली है नेमचंद, तू भी तू तो मारो खास है, है? और मन्ने पता है कि खाली हाथ नहीं लौटेगा। और मारो के होगा को? अरे थारे तो हर दिन दिवाली होगी, जिंदगी भर पैसे के लिए नहीं तरसेगा तू, चल अब जल्दी जा और मन्ने ना तू खुश खबर सुना। गाड़ी अगले कह रहा है, यो नेमचंद अठे क्यों आ रहे हैं? नेमचंद जी कमाल करते हैं आप, अगर आप ही ने मने पीसे देने थे तो मारे को यहां तक लाने का क्या मतलब हुआ? क्या बात है, तुम लोग खेल खेल रहे हो हमारे साथ?
राजेश भाई, आप सब जानते हो क्या? तुम सब जानते हो ना? सर, फौजदार और उसका गैंग 8 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ था किसी चोरी के केस में, और अंबिका का कत्ल 9 अक्टूबर को हुआ था, एक दिन बाद। नेमचंद, मुझे शामिल ना होना इन सब चीज़ों में, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, याद रखियो। तो शामिल है, और तेरा नाम इस कत्ल से हमेशा जुड़ा रहेगा। चुप चुप कर साले, चक्कर पहले जिंदा तो ना है ना? जिंदा ना है, मर गई। अरे अब क्या करना है? वही जो फौजदार करने वाला था। सर, आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया। आपने बोला था हमारी सारे को छोड़ दोगे आप। हम सब तो यहां हरिश्चंद्र बैठे हैं, बिल्कुल तेरी तरह जलेबी के जैसे सीधे। साहब, अरे कुत्ते, थारा प्लान था अंबिका को मार डालने का। थारा, थारी लुगाई मरी सिर्फ थारे कारण। लालची साले, अपना मुंह बंद रखता ना तो ये सब कुछ ना होता। अंबिका की गुमशुदा रपट करके तूने ना जाने कितनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, मैंने अंबिका देह की खबर अभी अभी पढ़ी। वो उसका हमारे ब्रांच में एक लॉकर है, मैंने सोचा आपको बताना चाहिए अगर आपको उसे सील करना हो तो। जी सिंह साहब, मैं अपनी टीम अभी जयपुर भेज देता हूँ। धन्यवाद। सर, 3 टीम्स नोदिया से लेकर दीवानपुर तक सारा इलाका कॉम कर रही हैं। बिखरी हुई अस्थियों में से शायद कुछ सबूत मिल सके, जैसे कान की बाली या पायल वगैरह कुछ। जब तक कोई ठोस सबूत ना मिले सर्च ऑपरेशन जारी रखो। दोनों गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं।
दोनों ड्राइवर्स और गुफरान के साथी मुर्तजा को भी गिरफ्तार कर लिया। गुड। अच्छा ये बताओ, ये जो सीडी का छोटा सा पोर्शन टीवी पे एयर हुआ था, पता चला किसने लीक किया था? सारे टीवी चैनल से हमारी बात हुई और सबका एक ही कहना है, एक लिफाफा आया था, उसमें कोई नोट नहीं था, कोई सेंडर एड्रेस नहीं था, बस सीडी थी। सर हो सकता है अंबिका ने ही भेजी हो सीडी। हो सकता है। सबके बयान ले लो और चार्जशीट फाइल करो। सर एक स्टिंग ऑपरेशन, डसना किसी को था, फांसना किसी को था और सबको निकल गया। कहाँ जा रहे भाई साहब? पुलिस थाने, उन्होंने फोन किया था। नहीं अब कहीं नहीं जाओगे। मैंने जाना होगा जुगनी, तब तक जोश ने काकी तेरे ध्यान रखेगी, मैं जल्द लौटूंगा। माई भी यही कह के गई थी कि वापस आएगी और बापू भी यही कह के गए थे, पर वो लोग नहीं आए और आप भी यही कह रहे हो आप कहीं नहीं जाओगे। मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। एक दिन तूने हमारे से कहा था अगर ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी चाहिए सीढ़ी, और ये सुजानी है ना वो हमारी सीढ़ी है, सीधे आसमान, आसमान में आग ना लगे। ये खेल था सत्ता की लालच का और लालच की राजनीति का, जिसके अंत में हर खिलाड़ी अपने ही हाथों हार गया। महत्वाकांक्षी अंबिका देहा ने स्टिंग ऑपरेशन द्वारा हासिल की गई एक सेक्स सीडी को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहा। क्या अंबिका ने अपनी करतूतों से खुद अपनी मौत को निमंत्रण दिया था? ऐसे नैतिक फैसले करना हमारा काम नहीं है और ऐसा करना किसी का अधिकार भी नहीं है। लेकिन हाँ, कामयाबी की सीढ़ी की हर पायदान पर कभी अपनों से तो कभी परायों से अंबिका को चेतावनी जरूर मिलती रही कि संभल जाओ, आग से खेल रही हो। दूसरी तरफ दो पॉलिटिशियंस की कामाग्नि उनके पॉलिटिकल करियर की चिता बन गई। उन्होंने अंबिका को उपभोग की वस्तु बनाया और अहंकार के नशे में चूर दोनों पॉलिटिशियंस ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने लालच के लिए अंबिका उनका काउंटर इस्तेमाल कर सकती है। अंबिका ने उनकी और अपनी गरिमा को दांव पर लगाकर उस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। इंटर पार्टी पॉलिटिक्स में उसने चालें भी चली और खुद मोहरा भी बनी। एक किस्म की मॉरल एनार्की पैदा हुई जिसमें हर कोई हद से नीचे गिरा और आखिरकार लगातार वार्निंग्स के बावजूद अंबिका इस खतरे की आग में कूदी और अपनी जान गंवा बैठी। क्राइम नेवर पेस। शायद किसी को ऐसा भी लग सकता है कि अगर बजरंग ने वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल ना की होती तो इस महाविकृत भयंकर षड्यंत्र का सच कभी रोशनी में नहीं आता। पर सच ये है कि वो कंप्लेंट फाइल हुई, केस हल हुआ और सभी मुजरिम सलाखों के पीछे हैं। झूठ को छुपाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है और ये मेहनत कभी रंग नहीं लाती, क्योंकि सच की एक ही कोशिश होती है, बाहर आना, रोशनी डालना। झूठ की रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सच का सूरज उगता ही है। आज क्राइम पेट्रोल के 12 साल और 750 एपिसोड पूरे होने पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा और हम हर हफ्ते हर जुर्म हर झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने आप से बोला गया झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, अपने आप से सच बोलिए हमेशा। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।